अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो है। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए। जो है प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो डाला था तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था, सेम क्वेश्चंस मुझे बार बार आ रहा था कि अल्ट्रासाउंड से आपको पता चलता है क्या बेबी जेंडर प्रेडिक्शन आप कर सकते हो क्या, मतलब बेबी बॉय है या गर्ल है। तो उसी का मैं आज आप लोगों के साथ एक वीडियो एक्स्ट्रा बना के डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगे। कमेंट्स में मुझे हर किसी को बोलना इट्स नॉट ईजी होता है, तो मैं एक वीडियो ही आप लोगों के लिए बता रही हूँ और जितना है इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितना मुझे पता है जितना है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आई एम श्योर आपको हेल्पफुल लगेगा। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ मेरी एक्सपीरियंस, मुझे जो है दोनों डिलीवरी मेरा बॉय है और मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरा डिलीवरी हुआ था इंडिया में और सेकेंड टाइम हुआ है मुझे कतर में। और लेकिन फर्स्ट टाइम भी मैं यहीं पे थी, 7 मंथ्स में मैं इंडिया गई थी और यहाँ पे जो है 4 मंथ्स में आपको बता देते हैं डॉक्टर अल्ट्रासाउंड में कि आपका बेबी बॉय है या गर्ल है, लेकिन इंडिया में ये नहीं बताते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ आपको साथ। और जो है आप सब मुझे यही बोल रहे थे मेरे बेबी जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है तो क्या मेरा बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है ना, उसी हिसाब से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरे बेबी जो है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स तक मुझे लेफ्ट साइड में मुझे फील हुआ था, क्योंकि मैं जब सोती थी रात को तो मैं राइट साइड होकर नहीं सो पा रही थी, क्योंकि लेफ्ट में नहीं सो पाती थी, क्योंकि मेरे बेबी मुझे उसी जगह पे फील होता है, अगर मैं लेफ्ट करके सोऊंगी तो मुझे पेन होता है उस एरिया में। तो इसलिए मैं हमेशा जो है राइट होके मैं सोती थी तो मुझे ना तो कंफर्टेबल लगता है। तो मुझे उस टाइम पता चला कि मेरे बेबी जो है लेफ्ट में है, लेकिन धीरे धीरे जितना मेरी प्रेगनेंसी चलने लगा है 4 मंथ्स एंड होने लगा है तो उससे मुझे थोड़ा सा मूवमेंट फील होने लगा है। तो मूवमेंट जो क्या है ना, आपको बेबी का लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, कहीं में भी आपको बेबी का मूवमेंट फील हो सकता है, क्योंकि बेबी जैसे ही ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है तो बेबी जो है मूव करना स्टार्ट होता है, वो कभी कभी राइट में भी हो सकता है, कभी कभी लेफ्ट में भी हो सकता है। तो धीरे धीरे जो है ना बेबी मूव करने स्टार्ट कर देता है, तो इसलिए आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो बेबी लेफ्ट में है या राइट में है। अगर लेफ्ट में है तो बॉय है या राइट में है तो गर्ल है, इस हिसाब से प्रेडिक्शन आई डोंट थिंक कि वो राइट प्रेडिक्ट है। जो हमारी दादी नानी ये सब बोलते थे पहले, मतलब लेफ्ट में है तो लड़का है, एक्चुअली वो सब आई डोंट बिलीव। मुझे जितना मुझे अभी पता चला है लेफ्ट में है तो बेबी बॉय है, कभी कभी किसी के साथ हो जाता है वो बात, और मेरे जो है लेफ्ट में था बेबी बॉय और राइट में मेरे पहला बेबी जो है मुझे जितना याद है वो राइट में ही था, लेकिन वो भी मूव करता था, मैं भी मूवमेंट बहुत होता है। अगर बॉय है ना मुझे जितना ख्याल है थोड़ा सा लेट मूवमेंट करता है, अगर बेबी बॉय है आपका तो लेट थोड़ा सा लेट मूवमेंट होता है, और बेबी गर्ल जो है वो थोड़ा सा जल्दी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। 3 मंथ्स के एंड में ही आपको थोड़ा सा मूवमेंट, थोड़ा सा माइल्ड मूवमेंट आपको पता चल जाता है। और बेबी बॉय का मूवमेंट जितना मुझे पता है, जितना मेरी दिया है, मुझे 5 मंथ्स एंड से ही मुझे मूवमेंट थोड़ा सा ज़्यादा पता होने स्टार्ट हुआ था। 4 मंथ्स तक मुझे मूवमेंट कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 5 मंथ्स से मुझे मूवमेंट थोड़ा सा समझ में आ गया था। और जितना भी मैंने सुना है बेबी गर्ल्स यहाँ पे हैं उनका मूवमेंट जितना भी हुआ है तो 3 मंथ्स के एंड या 4 मंथ्स तक आपका बेबी का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैं बेबी का मूवमेंट के हिसाब से भी आपका बोल सकती हूँ, लेकिन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, जितना मुझे पता है। और ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ बॉय का ज़्यादा बता रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों ही बॉय हैं, तो गर्ल से ज़्यादा मुझे बॉयज़ का नॉलेज है, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। और ज़्यादा प्रेडिक्शन की बात है यहाँ पे जो है, अगर गर्ल का शायद जल्दी पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में यहाँ पे जो बता देते हैं ना, तो बेबी बॉयज़ में जो है 4 मंथ्स में आपको बता 4 मंथ्स के लास्ट या 5 मंथ्स में ही आपको बताता है बेबी बॉय या गर्ल है। तो मुझे 5 मंथ्स में पता चला था यहाँ पे सेकेंड प्रेगनेंसी में, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे 4 मंथ्स में मुझे बता दिया था बेबी बॉय, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे 5 मंथ्स में पता चला था।
क्योंकि प्रेगनेंट अल्ट्रासाउंड में ना बेबी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी 4 मंथ्स में पता नहीं चलता है, क्लियर से पता नहीं चलता है, 4 मंथ्स में क्लियरली नहीं पता चलता है, 5 मंथ्स में थोड़ा सा क्लियर होने लग जाता है, तो 5 मंथ्स में क्लियरली डॉक्टर जो है यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी बेबी का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो बहुत टाइम लगता है अल्ट्रासाउंड में उसे देखने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में जो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि रिपोर्ट में आता है क्या, कहाँ से दिखे, उसमें तो आप लोग कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो मेरे ख्याल से। मैंने बहुत ट्राई किया था, मुझे नहीं पता चला, और उसमें नहीं होता है, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो हाइडन होता है, इनफैक्ट इंडिया में तो वो पॉइंट भी नहीं करता है, तो यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा पॉइंट कर देता है और यहाँ पे बता भी देता है। तो मुझे जितना मेरी आइडिया है मैं उस हिसाब से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। जितना अल्ट्रासाउंड में है वो कुछ नहीं होता ऐसे, और बेबी गर्ल हो या बॉय है, ऊपर वाले की कृपा से जो भी मिले, इससे मेडिकल ये आपको एक्सेप्ट करने से ये गिफ्ट है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो इस वीडियो को कोई भी गलत तरीके से मत लीजिएगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जितना मुझे कमेंट्स आया था उसका रिप्लाई मैं आप लोग चैट दे रही हूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।